प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भुजा की लंबाई की तुलना करना सीखेंगे। हमारे पास पांच बच्चों की भुजा की लंबाई है और इनको हम इंच टेप से नापेंगे और सबसे छोटी भुजा वाला कौन है इनको हम इंच टेप से नापेंगे और देखेंगे कि सबसे छोटी भुजा वाला कौन सा है। सबको ध्यान से देखो और हम देखेंगे कि सबसे छोटी भुजा वाला कौन है। ईशा, तो हम इसका नाम लिख देंगे ईशा। सबसे छोटी भुजा वाला बच्चा ईशा। और आगे है, सबसे लंबी भुजा वाला बच्चा कौन है। हम इंच टेप से नापेंगे सबकी भुजाएं और हमें पता चलेगा कि सबसे लंबी भुजा वाला बच्चा कौन है। ये देखो, देखने से भी पता चल रहा है, शर्मिन। यहाँ पर हम लिख देंगे शर्मिन। और आगे है कि समर की भुजा किससे बड़ी है। समर की भुजा किससे बड़ी है, तो ध्यान से देखो और इंच टेप से नापो। हमें पता चलेगा कि दो बच्चों से बड़ी है, एक तो ईशा से और दूसरा आमिर से। यहाँ दो बच्चों के नाम लिख देंगे, ईशा और आमिर। धन्यवाद।